अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाहज किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मीठी मीठी सी गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी, तकरीबन आधे घंटे में ढेर सारे गुलाब जामुन बन जाते हैं इससे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हमने सबसे पहले ले लिया है मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर ले लेंगे हम 1 कप। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर है, तो आप कोशिश करें बहुत अच्छे ब्रांड का लें। 1 अदद हम रूम टेम्परेचर अंडा ले लेंगे। और शुगर सिरप बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप चीनी और 1 कप पानी। मेरे पास 1 कप शुगर सिरप पड़ा हुआ है, तो मैं इस वक्त 1 कप जो है वो चीनी के साथ शुगर सिरप बनाऊंगी। घी ले लेंगे हम 1 टेबल स्पून। मैदा हम लेंगे 1 टेबल स्पून। और सूजी मैंने ये भिगो के रखी है पानी में, इसका हम पानी निकाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम ये यूज़ करेंगे। और बेकिंग पाउडर हम ले लेंगे 1 टीस्पून। अब हम शुगर सिरप बना लेंगे। सबसे पहले हमने अपने पैन को जो है वो मीडियम हीट पर रख दिया है। उसमें हम चीनी डाल देंगे, साथ में 3 से 4 इलायचियाँ और पिंच ऑफ ज़ैफ़रान डालेंगे। और इसमें 3/4 कप जो है हम पानी का डाल देंगे। 3 से 4 मिनट जो है हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसमें बबल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देंगे। तो अब हम डो बना लेते हैं। एक लार्ज बोल में जो है हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। इसमें हम मैदा डाल देंगे 1 टेबल स्पून। सूजी हम इसका पानी ड्रेन कर दिया है वो इसमें डालेंगे। साथ इसमें हम घी डालेंगे और हाथ से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी डालेंगे और फिर हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मेयरिंग स्पून्स हैं तो आप उससे मेयर करके 1 टीस्पून डालें। और आपने बेकिंग पाउडर डालना है इसमें, बेकिंग सोडा नहीं डालना। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना अच्छा कि इसमें कोई क्रम्बल ना रह जाए, कोई भी लम्स ना रहें। फिर हम इसमें अंडा डालेंगे और इसकी डो बना लेंगे। अंडा आप इसमें जो डाल रहे हैं वो रूम टेम्परेचर का हो, और आपने डो बनाते हुए इसको गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। बस 1 से 2 मिनट में ही आपकी जो डो है वो तैयार हो जाएगी। तो आप इसको बना के छोड़ दें और 5 मिनट का रेस्ट दे दें। इस तरह पे थोड़ी स्टिकी होगी, लेकिन जब आपको इसको थोड़ी देर का रेस्ट देंगे 5 मिनट तक का, तो ये नॉर्मल हो जाएगी और बॉल बनाना जो है वो ईजी होंगे। शुगर सिरप की जो फ्लेम थी हमने बहुत ही लो कर दी थी, उसको 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। सिरप हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, उसका चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम इस डो से छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। आपने बॉल्स बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो आप साइज़ में छोटे बनाएं, क्योंकि जब आप इनको फ्राई करेंगे तो वो डबल हो जाएंगे और शीरे में जाके वो और ज़्यादा फूल जाएंगे। और बॉल्स जो हैं वो इस तरह के स्मूथ और शाइनी से होने चाहिए, इनमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अब ऑयल जो है वो हमारा बहुत ही हल्का ल्यूकवार्म ऑयल है, हल्का गर्म है। तो इसमें हम अपने गुलाब जामुन डालेंगे। और आप कोशिश करें कि आप गुलाब जामुन जिस कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं उसका पैंदा जो है वो हैवी हो, और लो टू मीडियम हीट पे ही आपने इनको फ्राई करना है। इस तरह पर आप सारे बॉल्स जो हैं वो ऑयल में डाल दें, और आपने इनको इस स्टेज पर हिलाना नहीं है। जब इनमें हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएं इस तरह, तो फिर आप हल्का सा ऑयल जो है इनके ऊपर चम्मच के साथ डालना शुरू करें और उनको हिलाएं हल्का सा, तो ये इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। जब ये बॉल्स ऊपर आ जाएं ऑयल में तैरने लग जाएं, तो फिर आप अपनी जो फ्लेम है उसको हल्का सा मीडियम फ्लेम पे कर लें और इनको फ्राई करें। अगर आपके बॉल्स जो हैं वो इसी तरह साइज़ में डबल होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे से और बिल्कुल सही टेम्परेचर पर जो है वो फ्राई हो रहे हैं। अब हम इनको हर तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको लाइट गोल्डन ब्राउन चाहिए तो आप इस स्टेज पे इनको निकाल लें और शीरे में डालें। मैं इनको थोड़ा डार्क ब्राउन करूँगी। बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन से हमारे गुलाब जामुन बन गए हैं, इनको हम अब निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको प्लेट में रखेंगे। जब इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर हम इनको चाशनी में डाल देंगे। याद रहे कि मैंने 1 कप शुगर से चाशनी अभी बनाई है और 1 कप जो है वो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था। अब हम अपने गुलाब जामुन को जो है वो आधे से एक घंटे के लिए इसी चाशनी में रहने देंगे। तो आधे घंटे में ही वो तकरीबन आधी चाशनी जो है वो सोक कर लेंगे। अब आप चाहें तो अपने गुलाब जामुन को इसी तरह गर्मा गर्म चाशनी में सर्व करें, या चाहें तो आप उनको कोकोनट में कोट करके सर्व करें। आप देखें हमारे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट और जूसी से बने हैं। आप जिस तरह से भी सर्व करेंगे ये बहुत ही खुश रंग, खुश जायका और बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं।
और बहुत ही परफेक्ट सा डिज़र्ट है ये। आप ईद पे बनाएं या किसी भी फेस्टिवल पार्टी या दावत में बनाएं, बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।